खबर शामिल करते हैं रतवड़ेरों से, जहां वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रतवड़ेरों की आवाम का क्या कहना है, इसी हवाले से रतवड़ेरों से हमें बता रहे हैं मुजफ्फर अली जी। मुजफ्फर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रतवड़ेरों में मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पे पेट्रोल का बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और कुछ पैसे का इजाफा किया गया है। उस हवाले से यहाँ के रतवड़ेरों के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन ब दिन जो है पेट्रोल की कीमत जो है ऊपर जा रही है, इसमें आवाम को बहुत मुश्किल का सामना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मजदूर तबका है और कुछ लोग रिश्का जलाते हैं, कोई चिंकी जलाता है, तो महंगाई के हवाले से इतना आमदनी नहीं है। तो उस वजह से आवाम को रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि आवाम खुश रहे। अच्छा, इमरान खान, देखिए इमरान खान बहुत अच्छे हैं, वो तो 100% वो करप्शन नहीं है उसमें, लेकिन जो उसके नीचे जो नीचे वाला तबका है उनको आवाज़ उठानी चाहिए और उनको हमारे लिए कुछ करना चाहिए। ये मदीना रियासत जो इमरान खान कह रहा है उसके हवाले से, ये दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ाता जा रहा है, हर महीने पेट्रोल बढ़ता है, इस वजह से जो रोज़ के ऐसे हैं सामान वगैरह जो है उस पर गरीब आवाम को पहुंचता है नुकसान वगैरह, वो खुद उठाता है गरीब आवाम। अभी ये हर माह पेट्रोल चल रहा है, एक माह चढ़े तो और बात है, हर माह चल रहा है, ये लूट रहा है गरीबों को, ये मुल्क को लूट रहा है, हमें ये मंजूर नहीं है इसका। ये रोज़ कहता था आप यकीन करो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इसने आज तक कुछ नहीं किया, ये दावे करता है ऐसे ही, करता कुछ नहीं है, सिर्फ गरीब आवाम को लूट रहा है ये। रियासत मदीना के दावे करने वाले हज़रत इमरान ख़ान, जिसने हम आवाम को सिर्फ महंगाई बेरोज़गारी ही दिया है, हर माह पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से आम खुर्दो नोश की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे के साथ साथ जो मुख्तलिफ रूटों पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट है उनकी किरायों में इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इमरान खान से मुतालबा किया है कि जो तेल की बढ़ाई गई है कीमतें हैं उन पर नज़रसानी की जाए और आवाम को रिलीफ फ्राहम की जाए, ताकि जो रियासत मदीने के ख्वाब दिखाए गए थे, जो रियासत मदीना के दावे किए गए थे, आवाम को वो रियासत मदीना के ही हकूक दिए जाएँ। जी।